नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि पसे नदी और नारी क्या थे। गौतम बुद्ध का भी ये कहना है कि नारी हो या पुरुष, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। कन्या का जन्म होते ही परिवार को प्रसन्न होना चाहिए, उसके माता पिता को भी खुशी मनानी चाहिए, ना ही कि अपने बेटे पर ही खुशी मनानी चाहिए। कन्याएं भी श्रेष्ठ होती है। आइए हम आपको बताते हैं गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। साप्तिक में स्थित जेतव नाराम में विराजमान थे गौतम बुद्ध। तभी वहाँ महाराजा पसे नंदी भी पधारे अपने साथियों के साथ। तभी राजमहल से एक दूत आया और उसने महाराजा को यह समाचार सुनाया कि महारानी को एक कन्या का जन्म हुआ है। कन्या का नाम सुनते ही महाराज उदास हो गए। गौतम बुद्ध ने उनके मन को भांप लिया था। फिर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि महाराज, दूत ने ऐसा क्या समाचार सुनाया है जिससे आप इतने उदास हो। महाराज बोले, गौतम बुद्ध, मैं एक पुत्र चाहता था और मेरी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। महाराजा को समझाते हुए गौतम बुद्ध बोले, कन्या के जन्म का समाचार सुनते ही आपको यूं उदास नहीं होना चाहिए। अनेकों ऐसी स्त्री है जो बहुत से पुरुषों से श्रेष्ठ रही है। कन्याएं भी प्रतिवर्ता होती है, वह श्रेष्ठ होती है, वह गुणवान होती है। गौतम बुद्ध ने देखा कि महाराजा की मनोदशा पर विशेष अंतर नहीं पड़ा है। गौतम बुद्ध अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले कि कन्याओं से ही शूरवीर दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले पुत्र जन्म लेते हैं। गौतम बुद्ध के वचन सुनकर महाराजा पसे नंदी प्रसन्न हुए और उन्हें नारी जाति पर जो उनका भ्रम था वो भंग हो चुका था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।